वेलकम टू कोलेज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर, और इसके लिए हमने पनीर भी घर पर बनाया है। उसके लिए 2 लीटर दूध और 4 चम्मच विनेगर लिया है। दूध उबलने पर विनेगर को डाल दें, 2 से 3 मिनट उसको हिलाएं। पानी अलग हो चुका है। इसके बाद उसे छान लें। और ठंडा पानी डालें। हल्के से निचोड़कर इसके ऊपर कोई भारी चीज रख दें, हल्का सा दबा दें उसे। 2 घंटे बाद आपका पनीर तैयार है। इसे इसमें अपने हिसाब से काटिए। अपने ग्रेवी के लिए 2 बड़े चम्मच तेल, 25 से 30 काजू, 3 प्याज, 3 बड़े टमाटर, 4 हरी मिर्च लिए हैं। सब साथ में डाल दें और इसे गलने तक पकाना है। देखिए, इसका पानी सूख चुका है और ये भी गल चुके हैं। अब इसे ठंडा करके पीसना है। अब कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालें और 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। इसे अच्छे से लाल करना है। पिसा हुआ मसाला डाल दें। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक ऐड करें। अच्छे से मिक्स करें। साइड से तेल निकल गया। अब इसमें 2 बड़े चम्मच दही ऐड करेंगे। और 2 चम्मच आप मलाई या क्रीम ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें 2.5 कप दूध डाल दें और इसे तेज आंच पर इसे हिलाते रहें। ध्यान रहे, इसे तेज आंच पर ही हिलाना है, नहीं तो आपका दूध फट सकता है।
स्वाद आना चालू हो गया है। अब इसमें पनीर डाल दें और इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे हिलाना है। धनिया डाल दें और अब आपका शाही पनीर तैयार है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।